हाय फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और वाइल्ड लाइफ की ऐसी कई रोचक स्टोरीज के लिए ये लाल बटन दबाना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना, इट्स टोटली फ्री। बाकी जंगल की बहुत सारी स्टोरीज के साथ मैं हाजिर होता रहूंगा। अरे अरे घबराइए मत, अगर इस जानवर के बारे में आप ज्यादा जानकारी नहीं रखते और ये अचानक से कहीं पे आपके सामने आ जाए तो हो सकता है कि आप भक्के बक्के रह जाएंगे। कुछ लोग तो इसे पहली बार देखकर ही मॉनिटर लिजार्ड या ड्रैगन का छोटा भाई समझने लगते हैं। मतलब मैं आपको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने जब इसे पहली बार देखा था तो मैं ऐसा समझ बैठा था। ये जितना डेंजरस दिखता है उतना ही इनोसेंट एंड सेंसिटिव एनिमल है। इस प्राणी को हिंदी में चींटीखोर, इंग्लिश में पेंगोलिन और गुजराती में कीड़ी खाओ कहते हैं। हालांकि हिंदुस्तान के कुछ इलाकों में इसे सल्लू सांप के नाम से भी जाना जाता है। हंसिए मत, कमाल करते हैं आप भी। अब हर कोई सल्लू नाम की चीज सलमान भाई से रिलेटेड थोड़ी होती है। ये तो सल्लू भाई की तरह अपनी शर्ट भी नहीं उतारता, हालांकि शर्ट पहनता जरूर है। इसके शरीर पे जो आप स्केल्स देखते हैं ना, ये जो भिंगुड़ है, जी हाँ, ये इसके रक्षा का काम भी करते हैं और शर्ट का काम भी करते हैं। और हाँ, इसके भिंगुड़े मतलब इसके स्केल्स जो हैं, वो इतने मजबूत होते हैं कि शेर के दांत और उसके नाखून भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। फिर भी ये बेचारा बहुत ही शर्मीला होता है, इतना शर्मीला कि कोई इसे छू भी ले तो ये नई नवेली दुल्हन की तरह सिकुड़ जाता है। हालांकि ये बात अलग है कि आजकल नई नवेली दुल्हन भी सिकुड़ती नहीं है, लेकिन ये उससे भी ज्यादा शर्मीला होता है। चलिए अब मजाक बहुत कर लिया, अब थोड़ी इसकी सीरियस इंफॉर्मेशन भी ले लेते हैं। पेंगोलिन आमतौर पर अफ्रीका और एशिया के कई कंट्रीज में पाया जाता है, स्पेशली चाइना, इंडिया एंड श्रीलंका। अनफॉर्चुनेटली दुनिया में जिस जानवरों की सबसे ज्यादा तस्करी होती है उनमें सबसे ऊपर नाम पेंगोलिन का आता है। चाइना और मंगोलिया में तो इसके मांस की बहुत ज्यादा डिमांड होती है। हालांकि चाइना वाले अभी तक क्या नहीं खाते हैं, यही बात किसी को समझ में नहीं आती है। हांगकांग में तो इसे रेस्टोरेंट में ही कस्टमर्स के सामने मार के दिया जाता है। इतनी बर्बरता अगर किसी जानवरों के साथ की जाती हो तो सोचिए उस देश के लोगों की मानसिकता क्या रही होगी। पेंगोलिन ज्यादातर खेतों की और जंगल की चींटियां ही खाता है, और वो भी खेतों की फसल को उजाड़ने वाली, जंगल में हाथी और शेर के साथ दूसरे जानवरों को परेशान करने वाली चींटियां। तो एक तरह से ये दूसरे जानवरों के लिए कितना मददगार रहता होगा। एक रिपोर्ट के आधार पर पूरी दुनिया में तकरीबन 10 लाख से भी ज्यादा पेंगोलिन की तस्करी होती है, लेकिन ये अब लुप्त होने की कगार पर है। हिंदुस्तान में इसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत शेड्यूल 1 में आरक्षित किया गया है। समीर की आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको ये प्राणी कहीं भी इंसानी आबादी के बीच मिल जाए तो मेहरबानी करके इसे जंगल में छोड़ दीजिए या फिर वन विभाग के हवाले कर दीजिए, क्योंकि ये प्राणी जितना जानवरों के बीच सुरक्षित रहेगा उतना कभी भी इंसानों के बीच सुरक्षित नहीं रह पाएगा। मैं हूं समीर, लाता रहूंगा आपके लिए हिंदुस्तान के वाइल्ड लाइफ की रोचक कहानियां।